नमस्कार, स्वागत है सबका जीवीएन 24 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं झारखंड की खबर पर। बोकारो के चंदन कियारी में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। अपनी सगी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोपी चंदन कियारी थाना क्षेत्र निवासी 46 वर्षीय सनातन गोप को चंदन कियारी थाना क्षेत्र के हिसार से पुलिस ने हरियाणा पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी सूरज कुमार ने बताया कि घटना के बाद आरोपी विगत वर्ष अप्रैल से ही फरार चल रहा था। इस संबंध में पीड़िता के लिखित बयान पर चंदन कियारी थाना में आरोपी पिता के विरुद्ध 20 अप्रैल 2023 को पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था, जिसके तहत कहा कि पीड़िता व उसकी मां को डरा धमका व मारपीट कर आरोपी द्वारा अपनी ही पुत्री से लगातार 6 महीने से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही किसी को इस संबंध में कुछ भी बताने से माँ बेटी को जान से मारने की धमकी भी पिता आरोपी द्वारा दिया जाती है। इसी दौरान 13 अप्रैल 2023 की रात को भी आरोपी ने बेटी के साथ डरा धमका कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उसके बाद पीड़िता अपने पिता के खौफ और शारीरिक शोषण से बचने के लिए इसी थाना क्षेत्र स्थित अपनी ननिहाल चली गई, जहां से मां के साथ थाना पहुंचकर आरोपी पिता के विरुद्ध मामला दर्ज करवाई थी। घटना के बाद पुलिसिया दबिश के बाद आरोपी पिता फरार हो गया है। चंदन के थाना कांड संख्या 112-23 में पॉक्सो एक्ट में करीब 1.5 साल से अभियुक्त फिरार था, जिसे हरियाणा के हिसार जिला से गिरफ्तार कर लाया गया, इसमें कैसे भेजा जा रहा है। तो सर, इसमें मामला कितना दिन पहले का था और करीब 1.5 साल पहले का मामला था और अभी फिरार चल रहे थे। मामला, मूल मामला क्या था, थोड़ा सा संक्षिप्त में? ये पॉक्सो एक्ट का मामला था। क्या हुआ था? दुष्कर्म का मामला था पॉक्सो एक्ट। अभी क्या किए हम लोग, कहाँ से उसको गिरफ्तार किया? और हरियाणा के हिसार जिला से गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद आज जेल भेज दिया। जी जी, नेट का बोले जा रहा है। दोषी के भी एक ही आदमी था? एक आदमी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहिए जीबीएन 24 न्यूज के साथ।